मुजफ्फरपुर के मड़वन प्रखंड के रक्सा गांव के लोग तिरहुत नहर का बांध टूटने से बाढ़ जैसी त्रासदी झेलने को मजबूर हो गए हैं। लोग अपने घरों से जान बचाकर ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। बाढ़ का कहर झेलने वाले लोगों ने बताया कि अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिली है। बंद है पानी की वजह से, क्या लग रहा है? रात 9:30 बजे यहाँ पे बांध टूट गई है, उसके बाद से यहाँ पर जो भी गांव मोहल्ले के लोग हैं बहुत परेशान हैं। और स्कूल भी बंद है, कोई साधन नहीं है, बच्चे लोग पूरा इधर उधर भटक रहे हैं। अभी तक प्रशासन के लोग यहाँ पे अंचलाधिकारी आए नहीं हैं। अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी का कर्तव्य होता है कि यहाँ पर आ करके अपना तिरपाल या जो भी सरकारी सामान वितरण करना होता है उसका कराएं। यही मांग करते हैं अंचलाधिकारी महोदय से और ओम प्रकाश कुमार सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत बहुत परेशानी है यार, 8:30 बजे बम नहा टूटा, वही बेर से हमको सके भगते भगते दिन जाता है, माल भैंसी सब दहा रहे, तब कहीं कहीं लेके भैंसी सके रख ले हती, बकरी सके रख ले हती, अन्न पानी सब दहा गेलक। ककरो किच्छो न प्रशासन किच्छो न, वो झांकी पार्ले नहीं आया है आम पब्लिक से कैसा है नहीं है, क्या खाता है नहीं खाता है, कुछो नहीं बोलने आना है, न देखने सहित नहीं आना है। बहुत परेशानी है, रात भर कोई सोया नहीं है। यहाँ भूतपूर्व मुखिया थोड़ा जो अपना अथी दिखा रहे हैं, न तो अभी के मुखिया चाहे विधायक कोनो ना आ रहा है, बहुत स्थिति खराब है यहाँ। धान भी दहा गया, घर भी दहा गया। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से अभी आ करके यहाँ जायजा ले, जो कमी है क्षतिपूर्ति दे, अभी तत्काल रहने खाने पीने के लिए व्यवस्था करे। वहीं पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अजीत कुमार बाढ़ पीड़ित लोगों की सुध लेने रक्सा गाँव पहुँचे। कुमार ने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द प्रशासन की तरफ से गरीबों की मदद की जाएगी और अगर इसमें कोई कोताही बरती गई तो वो प्रशासन का खुलकर विरोध करेंगे। देखिए, रात को लगभग 9:00 बजे इस गांव के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं हरिशंकर राय जी और यहां के स्थानीय पूर्व मुखिया के प्रतिनिधि हमारे भाई इंदल जी हमको फोन किए कि बांध टूट गया। मैं तत्काल जिलाधिकारी को खबर किया और हमने कहा कि तुरंत वहां बचाव राहत कार्य शुरू कराइए और जो लोग का घर डूब गया है उनको ऊंचे स्थान पर ले जाने का व्यवस्था कीजिए। ऐसे हमारे जो भी साथी थे वो लोगों को मदद करने में जुटे हुए थे, लेकिन फिर भी प्रशासन ने भी यहां सक्रिय रूप से अपना जो भी भूमिका रात को हो सकती थी भूमिका निभाया। लेकिन हमको लगता है कि जिस तरीके से ये बांध टूटा है, क्योंकि हम भी तो आते जाते रहते हैं, हमें भी हर चीज़ की जानकारी साथियों से मिलता रहता है, हमको लगता है कि ये कोई न कोई साजिश के तहत ये बांध टूटा है और इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हम जिलाधिकारी से मांग करेंगे कि तुरंत जितने भी लोग बेघर हुए हैं और जिनका फसल का क्षति हुआ है, इन दोनों के लिए स्पेशल राहत का व्यवस्था करके तत्काल राहत चलाई जाए। ऐसे मेरे साथी इंदल जी जो यहाँ के पूर्व मुखिया के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने गरीबों को खाने का व्यवस्था अपने स्तर से सामाजिक स्तर से व्यवस्था शुरू कर दिया है, लोग खाना खा रहा है, जो सामाजिक दायित्व है उसके तहत काम चल रहा है। लेकिन दो बात बड़ा महत्वपूर्ण है कि बांध कैसे टूटा इसकी जाँच हो जाए और दूसरा कि फसल बर्बादी और जिनका घर द्वार टूट गया है गिर गया है उनको तत्काल राहत पहुंचाया जाए। एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है, स्थानीय लोगों का कहना है कि कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही। देखिए, प्रशासन रात में सबसे पहले, चूंकि देर रात की ये घटना है, प्रशासन ने सबसे पहले जल संसाधन विभाग से कह के जो फाटक था आजू बाजू का उसको हम लोगों ने बंद कराया था और बाकी रात का समय था और बांध टूट गया था। अभी सुबह सुबह जल संसाधन विभाग के फायर फाइटिंग के अधिकारी इंजीनियर घटनास्थल पर आ गए हैं और बोरा में मिट्टी डालकर बालू डालकर उसको उस पानी को रोकने का काम शुरू हो गया है। इसलिए और जो बच गया है चीज हम उसके लिए जिलाधिकारी से भी बात किया है और काम तुरंत होगा, इसमें कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। और देखिए, हम तो लड़ने फिरने वाले लोग हैं, हम भले अभी सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अगर हमारी सरकार और हमारा प्रशासन अगर कोताही बरतेगा गरीबों को मदद करने के लिए तो हम तो लड़ाई भिड़ाई चालू कर देंगे। ये तो मेरा नेचर है,
इसलिए आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि राहत और बचाव कार्य में कोई कोताही बरता जाए। मुजफ्फरपुर के प्रशासन को बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करनी चाहिए और तत्काल उन्हें खाने की सामग्री, दवाई और रहने के लिए सुरक्षित स्थान मुहैया कराना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।